महाबात्या यास चली जाइथिले मध्य छाड़ी दे जाइछि बात्या प्रभावितों मन भितरे गभीर दुख। लुणीपाणी माड़ी जाई चासी परिवारर अपूरणीय क्षति घटिथिबा बेले अंटा सळकी छिड़ा हेबा पई साहस जुटाई पारुनहांती केही। एभळी एक दुखदायक तथा प्रतिकूल परिस्थितिरे बात्या प्रभावितंकु भेटिछंती ओडिशा प्रदेश कांग्रेसर बात्या क्षयक्षति अनुध्यानकारी टास्क फोर्स टीम। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक निर्देश तथा कमिटर अध्यक्ष पीसीसी कार्यकारी सभापति प्रदीप कुमार माझी नेतृत्व में यह टीम बालेश्वर जिलार विभिन्न क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करने सहित भगराई में पहुंची स्थिति अनुध्यान कर प्रभावित रिलीफ सामग्री बंटन करते। टीम्र अन्यतम सदस्य भाव में पीसीसी मुखपात्र सुदर्शन दास, पद्माकर गुरु एवं भगराई कांग्रेस नेता सत्यशिव दास उपस्थित रही। पूर्वाह्नरे टीम स्थानीय नेतृवृंद को नहीं प्रथम सर्वाधिक क्षतिग्रस्त अंचल श्रद्धापुर पंचायतर खड़ीबिल कांथीबहरी पंचायतर बड़पाही नारायण महांती पड़िया पंचायतर कीर्तनिया चंद्राबाली और कुंभीरगढ़ी पंचायतर कुंभीरगढ़ी गाँव में पहुंची लोकमानंकर दुख दुर्दशा संपर्क में पचारि बुझा सहित प्रभावित रिलीफ सामग्री बंटन करते। अपराह्नरे टीम पक्षर बात्या परिचालना क्षेत्र में सरकार विफलता और समस्यार समाधान दिगरे टीम पक्षर विभिन्न दाबी को नहीं एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होता। सरकार परिचालनागत त्रुटि जो भगराई अंचल लोके वर्तमान सुधा सरकारी साहजार बहुत दूर रे सरकार जहाँ घोषणा करते जहाँ प्रतिश्रुति लोकों निकट में वर्तमान सुधा पहुँची पारे तत्संगे संगे ये अंचल जो चाषी मान जो क्षति होता सरकार पदुटे मुझे कथा कही ना जो मैंने चिंगुड़ी चाष कर माछ चाष कर जिते चाष कर संपूर्ण भाव नष्ट हो जाए कि सरकार बर्तमान सुधा चुप अच्छा तत्संगे संगे उदयपुर ठार जो आड़बंध आरंभ हबार अंचल बनिया जल सुरक्षा समुद्र तटर जो आड़बंध हबार जोद्वारा कि लोक सुरक्षित रही था आज पर्यंत कार्य आरंभ हो पारिना आम समस्त सरजमीन तदंत करुचु प्रदेश कांग्रेस कमिटर समस्त नेतृवृंद सहित आगामी दिन में या उपर सरकार प्रबल चाप प्रयोग हो जो परिचालना त्रुटि कर पर्दाफाश कर देखु भोगरेई ब्लक्र आठटी पंचायतर पखापाखि अठरटा गाँ बात्या समय रे जो सामुद्रिक जुआर आसला से गभीर भाव प्रभावित हो एवं यही गाँव पखापाखि अढ़ई हजार लोक अढ़ई हजार परिवार से माने तांकर जीवन जीविका प्रति गोटे विपद सृष्टि एवं विशेष करके वर्तमान समय रे समान को पाखे खाइबा को नाही एवं सरकार जो भली भाव रे तांकु दबा कथा खाद्य जहाँ मुख्यमंत्री कहते सात दिन खाद्य ये मिलूना अधिकांश घरे लोक मैंने उपास रे अछन्ते विशेष करके महिला एवं शिशु माने बुढ़ा बुढ़ी माने एवं जो माने गर्भवती महिला से जो व्यवस्था करने कथा ताइना गाई गोरु माने मरी तार जत्न से सरकार पक्ष दृष्टि दि जाए ना आम कांग्रेस दल पक्ष गलापर या उपरे आलोचना करूँ एवं सरकार को आम जनइबू एवं आशा करूँ सरकार खाली बाहस्फुट मारतु ना बास्तव में लोकों पाखे सहायता नहीं पहुँचत आमर सभापति आदेश में गोटे कमिटी गठन होता प्रदीप माझी कार्यकारी सभापति नेतृत्व में से मैंने गोटे टीम आसिकी जोटी सब क्षति होता से आम जा देखिक आसुचु ये आज आम भोगराई ब्लक चार पांचटा जगह आम जा देखिक आसलु भितर विचित्रपुर पाखे ये आपणकर कुंभीरगढ़ी सब देखिकी जो पा जो पशि जा लोक मानक दुखर जो मैंने अच्छा पाखे जाड़ा हलु आम द्वारा जी सा शुखला खाद्य बांटवे मास्क बांटवे आ कि पॉलीथिन व्यवस्था भी आम कर देखि चाहिए आम बांटू आ छड़ा सरकार को जो दायित्व अच्छी सरकार को जो दायित्व करवा कथा सामना को आणिकी सा जिनस देखल आउे जो आम देखु जहाँ जो हिसाब से पा जो लहर पशि आम लोक मैंने बहुत खराब अवस्था अच्छा तो आमर ईश्वर पाखे प्रार्थना कि तांकु जेते सहायता मिल पार आम निश्चित भाव कांग्रेस दल तरफ आम मानक नेता सत्यशिव बाबू आम मैंने सब आसिक आम सा करने आस।
ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଖଡ଼ି ବିଲ ବଡ଼ପାଇରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି, ଏନେଇକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ କ'ଣ କହିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇନା ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏଇନା ଲୋକ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ସରକାର ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ କି ଆମେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହେଇପାରିବ, ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ କିଏ କେଉଁଠି ବଣ୍ଟନ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ବି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ହଁ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର କମିଟିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏଯାବତ୍ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତିନିଟି ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ଉଦୟପୁରରୁ ଦହମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରବନ୍ଧ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବନି ଜଙ୍ଗଲ ରୋପଣ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଉ, ଯେ ଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ହେଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ରୋକିପାରିବା, ବାତ୍ୟାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଏ ବାବଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି ରଖୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋଗରାଇ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆଶିଷ କୁମାର ପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଷଡ଼ାନନ୍ଦ ଜେନା, ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଶମ୍ଭୁନାଥ ମାଝୀ, ଜୋନ୍ ସଭାପତି ତଥା ସରପଞ୍ଚ ରାଧାବିନୋଦ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ବରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାରାଣୀ ସୁର, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭୋଗରାଇରୁ ସ୍ୱରିତ ସପନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।